सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पांडा। सो गाइस, आज जो है ना, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था सर्वाइवल सीरीज क्रिएट करने का। मैं सोच रहा था कोई नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, बट मैं लास्ट वीडियो में दो विलेजर्स लेकर आया था और भाई मैंने उनको ये वाला वीट फार्म बनाया था, तो इससे मैंने ब्रेड उनको थोड़ा ब्रीड करवाया। और भाई साहब, और भाई मतलब उन्होंने भाई साहब इतने बच्चे कर दिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अंदर चल के। सो इस बटन को खोलता हूँ। भाई ये देखो भाई, ये मेरे सुबह से परेशान कर रखा है, करे जा रहे हैं। ये तो कैमोफ्लैज हो गया भाई, बहुत सारे आ गए हैं यार। इनका मैं क्या करूँगा, इनको मैंने कम से कम एक स्टैक ब्रेड खिलाई थी, बहुत ज़्यादा ग्राइंड करा था, तब जाके इनको मैंने इतना भाई साहब, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। सो अभी ये आज का प्लान क्या है ना, ये इस वाले ट्रेडिंग हॉल में तो भाई बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है, इस वाले ट्रेडिंग हॉल में नहीं आ पाएंगे ये। तो मैंने क्या सोचा है कि इनके लिए एक अच्छा और एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं जिसमें सारे विलेजर्स आ सकें। अब मैं यहाँ पर अगर अपने घर के पास जगह ढूंढने लग जाऊँ तो मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि सारे की सारी जगह भर चुकी है मेरी, और मतलब पहाड़ पहाड़ सा इलाका है ये। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। बाकी फ़िलहाल मैं पहले यहाँ पे एक चेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेस्ट बना लेता हूँ जिससे मैं सारे का सारा सामान खाली कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फटाफट से और इसको लगा भी देता हूँ, एंड इसमें अब मेरे पास जितना भी बेकार का सामान है वो भर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास जितनी भी डॉट थी मैं वो लेकर आ जाऊँगा और फटाफट से गड्ढे भरने शुरू कर देते हैं। और अब टाइम लैप्स एंजॉय करो। साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते है काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास जितनी भी डर्ट थी मैंने यहाँ पे लगा दिया है और थोड़ा सा यहाँ का जो है एरिया प्लेन कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को इसी एरिया पे बनाना चाहिए या फिर मैं कहाँ पर बनाऊँ। तो मेरे दिमाग में आया कि ना अंडरग्राउंड बनाया जाए, और अंडरग्राउंड मेरे पास मतलब रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं ऊपर बना सकूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अंडरग्राउंड बनाते हैं, वहाँ पे हमें थोड़े से कोबल स्टोन भी मिल जाएंगे। सो अब मैं वहाँ का काम जल्दी से शुरू कर देता हूँ। सो गाइज, ये है हमारे डाउन हॉल की स्टेयर्स और मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से हम ऐसे नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। बाकी यहाँ पे मैं स्टेयर्स लगा दूँगा जिससे ऊपर आना जाना थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी अब अंदर का काम शुरू कर देते हैं और वो है खुदाई करना। Years later. So guys, पिकेक्स यहाँ पर टूट चुकी है और मेरे पास आयरन भी नहीं है। सो घर पे जाके मेरे को स्टोन की पिकेक्स यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं, और ऊपर भी रात हो चुकी है। सो चलते हैं, सो भी जाएंगे, बाकी उठकर हम पिकेक्स बना लेंगे। और वॉशर उठ तेरी अरे यार, ये स्वॉर्ड नहीं है मेरे पास, रीजनरेशन का पोशन पी रही है। एक्स का है, मेरी एक्स का है, जल्दी से, और ये मार देगी मेरे को, ये मेरे को मार देगी। ठीक है, मैंने इसे पहले मार दिया। यार ये पोशन मार के चलेगी। ओ यार, खाना खाओ खाना, मेरा हैंगर ही नहीं है, जल्दी हो जा प्लीज़। भाई ये बहुत तेज तेज जा रहे हैं। रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया मैंने, 21 XP है मेरे पास। मरना नहीं, मरना नहीं, मर मत, रुक जा। ओ यार मैं मरूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मरूंगा। 21 XP गई मेरी। ओ बच गया, वरना मेरी 21 XP गई थी अभी। तो हील करते हैं स्टोन की पिक्स बना के, नीचे चलते हैं बस फटाफट। Oh,
यहाँ पर जो है मैंने नीचे का सारा खोखला कर दिया और खाली भी कर दिया है। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर वूल लेने के लिए, क्योंकि मेरे को बेड बनाने हैं और उसके बाद मैं विलेजर्स को भी लेकर आ जाऊँगा। बाकी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ वूल मेरे पास कौन से चेस्ट में रखा था, मेरे को अभी तो ऐसा अच्छे से याद नहीं है, बट मेरे पास ऊपर भी चेस्ट रखी है, मैं उसमें देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे वाली चेस्ट सामने ही रखी है, नीचे कैसे आ गया मैं, चलते हैं ऊपर और देखते हैं मेरे पास उस चेस्ट में कितना वूल है। बाकी इसमें नहीं है। अच्छा हाँ, नीचे मैंने नीचे चेस्ट बना रखी है, उसमें होगी। नीचे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं, नीचे नहीं जा पा रहा मैं। हाँ तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुका नीचे और यहाँ पर चेस्ट रखी है मेरी। यहाँ पर भाई देख सकते हो मेरे पास 8 ही वूल है, तो इससे और एक बेड भी है, तो इससे भाई यहाँ पर बन जाएंगे हमारे 2 बेड और कुल मिलाकर 3 बेड हो जाएंगे। मेरे को फिर शीप का वो भी फार्म लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से सारा काम करते हैं। अरे यार अंदर मॉब स्पॉन लग गए, एक स्केलेटन है और एक स्पाइडर भी है, उनको मारता हूँ पहले, उसको भी मारना पड़ेगा। शायद से यहाँ पे टॉर्चेस कम है इसलिए मॉब स्पॉन हो रहे हैं, तो ज़मीन पे शायद टॉर्चेस कम है, मैं सारी टॉर्चेस लगाए तो यहाँ पे कहीं पे भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगर कोई ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया फिर तो वो सारे विलेजर्स को मार देगा, स्केलेटन मकड़ी तो नहीं मारते। यहाँ पे भी लगाए तुम, और अभी मेरे को बेड लगाना है यहाँ पे, सो फटाफट से हर जगह पे टॉर्च लगाता हूँ मैं, तो फटाफट से बेड लगाता हूँ। और बारिश भी शुरू हो चुकी है, सब मेरे को यहाँ पर जो है शीप्स को लाना है। सो मेरे पास यहाँ पे जितना भी वीट मिला है ये मैं शीप्स को लाने में ले आता हूँ, बाकी विलेज में भी कुछ शीप्स हैं मैं उनको भी लेकर आ जाता हूँ फटाफट से, और एक छोटी सी जगह बनाता हूँ जहाँ पर उनको ब्रीड करवाएंगे और उनसे वूल लेकर फिर हम विलेजर्स के और भी बेड बनाएंगे।